मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज आस्क मी सर हाउ टू रिमेंबर दिस इफिशियंसी रेशियोज. सर कॉन्सेप्ट पता है, डेटस टर्नओवर है, क्रेडिटस टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर है, सब कॉन्सेप्ट आता है. व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग द फॉर्मूला सर बाउंस चले जाता है. इन दिस 5 मिनट्स ऑफ वीडियो, 5 to 10 मिनट्स ऑफ वीडियो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू रट्टोफाई दिस 6 फॉर्मूलाज इन योर माइंड. फटाफट देखना आ जाओ. वॉट आई एम जस्ट गिविंग यू द चार्ट. लेट्स से मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे. आई एम राइटिंग डेटस, I am writing creditors and I am writing inventory. Okay, inventory. सीधा यहाँ पे देखना turnover. और मैं यहाँ पे लिखूँगा velocity, velocity. और I will write days. ठीक है, understand my point. मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा बस मुझे उसका आंसर देना. एंड यू यू विल बी थर्जो विद द फॉर्मूला. सबसे पहले वी आर आई एम टीचिंग यू डेटस टर्नओवर रेशियो. सबसे पहले मेरे को बात बताओ, डेटस कैसे आएगा? ऑब्वियसली व्हेन यू डू क्रेडिट सेल्स, व्हेन यू डू क्रेडिट सेल्स. ठीक है, जब आपने क्रेडिट सेल्स किया, व्हेन यू गेट क्रेडिटर्स, व्हेन यू डू क्रेडिट परचेजेस. ठीक है, सबसे पहले मैंने लिंक बिठा दिया. इन्वेंट्री कहाँ से आता है? तो बॉस ये सीओजीएस में होता है, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब यहीं पे बैठा होता है. ये 3 सेट है, डेटर्स क्रेडिट सेल, क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज, इन्वेंट्री सीओजीएस. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो भी लिखा था उसका डिनोमिनेटर में नाम लिख दो, एवरेज डेटर्स. एवरेज डेटर्स ऊपर क्या था? एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स. यहाँ क्या था? तो एवरेज स्टॉक. ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, खत्म. डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर. नेक्स्ट सर, डेज कैसे निकालने का? डेज इन डेटर्स, डेज इन रिसीवेबल, डेज इन इन्वेंटरी. ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है. आई एम टेलिंग यू, प्लीज अच्छे से समझो. ये तुम्हारा या तो 365 डेज में आता है, या तो ये 12 मंथ्स में आएगा फॉर्मूला, या तो इट विल कम इन 52 वीक्स. ये आपके पास इतने क्राइटेरियाज होते हैं. मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता दूँ, वॉट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रिवर्स द फॉर्मूला. अगर डेज पूछा तो वॉट यू नीड टू डू, एवरेज डेटस, एवरेज डेटस डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स, डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 365. सिंपल, अगर डेज में चाहिए तो. इसका सर उल्टा, एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज क्रेडिटर्स मल्टीप्लाइड बाई, डिवाइड बाई क्रेडिट परचेज, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 365 इन्वेंटरी टर्नओवर, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सीओजीएस मल्टीप्लाइड बाय 365. दैट्स द एंड ऑफ द फॉर्मूला. हाँ, एंड मेनी पीपल ऑल्सो विल टेल यू, नो बॉस, यू नीड टू, इफ यू वॉन्ट आंसर इन डेज, यू नीड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ट्वाइस. बोलने का नहीं बॉस, ऐसा पॉसिबल नहीं है. यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द सेम आंसर. आई नो यू माइट हैव लर्न 1 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. नो सॉरी, 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. लेट मी टेल यू, बार बार कैलकुलेट मत करो. जो भी एक फॉर्मूला रट्टा मारो, ये मारो, उसको रिवर्स करो, यू विल गेट द सेम आंसर. एवरेज डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सीओजीएस. ये तो मेरा फंडा था. अब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना चाहूंगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर कब एवरेज यूज हो रहा है और कब क्या यूज हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता. सो लेट मी टेल यू समथिंग, छोटा सा चीज बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड माई पॉइंट. रेशियोज कितने टाइप के होते हैं? सो आई एम सेइंग रेशियोज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट रेशियोज. अंडरस्टैंड माई पॉइंट, वेन एवर यू आर एनालाइजिंग टू नंबर्स ऑफ बैलेंस शीट, तो क्या होता है सुनो, बोथ आर द नंबर्स शुड बी क्लोजिंग नंबर्स ऑफ बैलेंस शीट. Both are the numbers should be closing numbers. This will be closing number. This will be closing number. When I say closing number, means I'm simply saying year end balance. Year end balance. I'm just talking about this. Okay. Whenever you are getting, you will get profit and loss ratios. Profit and loss ratio. Then what you need to do? Whenever you calculate this, you need to judge a two numbers. Of revenue statement, or I can say profit and loss. Here what you need to do, you always say for the year ended. आप लोग सब बोलते हो, तो जो भी transaction होगा you have to take for the period divide by for the period. अब sometimes ऐसा होता है, there are some ratios, मैं आपको reason के साथ दूंगा, there are some ratios which are known as combined ratio, जहाँ पे what happens, each and every time you get to know about two numbers, so you have to set two numbers, you have to judge two numbers. One number can be from balance sheet
एंड वन नंबर कैन बी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. अंडरस्टैंड माई पॉइंट. अगर ऐसा एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, सो द एग्जाम्पल आई एम टेकिंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब भी पढ़ाया था. सो डेटर्स किससे लिंक होता है? क्रेडिट सेल से. सो यू आर डूइंग क्रेडिट सेल. आई एम सेइंग यू हैव ऑलवेज डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स यू नीड टू टेक. नाउ अंडरस्टैंड माई पॉइंट, वाई इज दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रेडिट सेल है ये पीनल का आइटम है एंड यू हैव टेकन फॉर द पीरियड. इट इज फॉर द पीरियड एंड यू हैव टेकन द क्लोजिंग नंबर्स. क्लोजिंग नंबर्स, ठीक है. सो ये रिलेशन सेट नहीं होता है. सो दैट्स वाई वेन एवर यू आर कंपेयरिंग टू नंबर्स ऑफ पी एन एल एंड बैलेंस शीट, ऑलवेज टेक एसेट एज एवरेज. ऑलवेज टेक एसेट एज अ एवरेज. आपको हमेशा इसको एवरेज ही लेना है, प्लीज याद रखना. एंड डोंट गेट कन्फ्यूज क्लोजिंग नंबर्स में. इफ यू वॉन्ट आई कैन राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके, सो अंडरस्टैंड फ्यू एग्जाम्पल्स विच आई एम राइटिंग हियर. सो द फ्यू एग्जाम्पल्स आर करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी. हियर आई एम गोइंग टू राइट जी पी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके, सो द एंड हियर आई कैन राइट डेटर्स टर्न ओवर रेशियो और आई कैन राइट क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो. ओके, और आई कैन राइट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो. सो बिकॉज सी ओ जी एस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो दैट्स वाई आई नीड टू टेक एवरेज इन्वेंट्री. दो साल का डिटेल दिया होगा तो. होप दिस इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई एम अगेन गोइंग टू डिस्कस यू समथिंग कॉल्ड एज, विच स्टूडेंट ऑफन आस्क मी अबाउट द ऑपरेटिंग साइकिल. सर वॉट इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग साइकिल? सबसे पहले तो एक बात याद कर, मैं ऑपरेटिंग साइकिल में हमेशा टेल टू माई स्टूडेंट आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट, आई टेल देम देख बॉस सबसे पहले क्या करेगा पता है? इन्वेंट्री को बना, तो इन्वेंट्री इज डेज निकाल सबसे पहले. तो बाद में क्या कर पता है? डेटर्स को पैसा दे, सॉरी डेटर्स को बेचेगा, डेटर्स देखो पैसा देगा. सो यू विल कैलकुलेट डेज इन रिसीवेबल्स. डेज इन रिसीवेबल्स जब तक तेरा पैसा मिलेगा दैट इज अ ऑपरेटिंग साइकिल. मीन्स गुड्स बना दिया एंड यू आर वेटिंग फॉर द मनी, दैट इज अ ऑपरेटिंग साइकिल. सर कैश साइकिल क्या होता है? सिंपल सा है. कैश साइकिल मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री बना, इन्वेंट्री इन डेज निकाल, पैसे का वेट कर. सो डेज इन रिसीवेबल, पैसे का वेट कर, ठीक है. और उसमें से जो पैसा तूने दे दिया है वो वापस कर. सो इट विल बी डेज इन क्रेडिटर्स और आई विल से द परचेज पेमेंट विच यू नीड टू मेक. ये आपका कैश साइकिल हो गया. और सर और सिंपल फॉर्मूला? ओके, और सिंपल फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग साइकिल माइनस डेज इन क्रेडिटर्स. डेज इन क्रेडिटर, दैट्स इट. थैंक यू सो मच. एफिशिएंसी रेशियो इज ओवर.